गुल्ली का नाक बह गया, आते आते वो अपना नाक पोंछ रही है, झूठ बोल रही है मैं 6 बजे उठी हूँ, तो मैं 6:30 बजे सात बजे नहीं, मैं 6:30 बजे मैं उठी हुई हूँ। ठीक है, मेरा पहला गाना भी इसी जगह पे शूट हुआ था। व्हाट अ कोइंसिडेंस गाइस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। गुल्ली को कोई नई जगह लेके आओ ना तो वो यही सब हरकतें करती है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं गंवार हूँ, पढ़ने मेरे को भी आता है, लेकिन बड़ी है, बड़ी सोच के मैंने इसको जिम्मेदारी दिया है। इस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही क्योंकि मेरा Hey guys, good morning and welcome back to my vlog। तो मैं आ चुकी हूँ अम्बिका कपूर एक न्यू एल्बम शूट के लिए। तो मैं और गुल्ली आए हैं ऐसे सुबह के 8 बज रहे हैं अभी, इतनी ठंड में सुबह सुबह आए हैं। गुल्ली को देख सकते हो ये क्या कर रही है। गुल्ली का नाक बह गया, आते आते वो अपना नाक पोंछ रही है। तो अभी मेरा ऐसे मेकअप होगा और मुझे अभी साड़ी पहनाया जाएगा, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से रेडी होने के बाद। गुल्ली को कोई नई जगह लेके आओ ना तो वो यही सब हरकतें करती है। साड़ेली कैसा लग रहा है रिया? ठंडी मजा आ रहा है। ठंडी ठंडी लग रही है। अब हंसना मत ना, तुझे जा रहा है। अच्छा वो ये नहीं 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 ये लगाई रिया लड़ते हुए, ये नहीं लगाओ वो नहीं लगाओ, बस लड़ थोड़ी रही हूँ, बता रही हूँ बता रही हूँ। तो हम हमारे लोकेशन पे पहुंच गए हैं, मेरा पहला गाना भी इसी जगह पे शूट हुआ था और तुक्के से मेरा दूसरे गाने का भी शूट इसी जगह पे हो रहा है। सेम, व्हाट अ कोइंसिडेंस गाइस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। बोलेंगे भाई कॉलेज खुलेगा ना तो बोलेंगे, वो मेरे को भी मुंह पे बोलता। मेरी बहन मेरा एग्रीमेंट पढ़ते हुए पढ़ के मुझे भी समझा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं गंवार हूँ, पढ़ने मेरे को भी आता है, लेकिन बड़ी है, बड़ी सोच के मैंने इसको जिम्मेदारी दिया है। तूने दिया नहीं है, मैंने खुद से जिम्मेदारी ली है। व्हाटएवर। चल भर जल्दी जल्दी मेरा फॉर्म भर, चल जल्दी भर। कैसा लग रहा है मेरे साथ आके? अच्छा लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा किस लिए आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है, लड़की से ज्यादा लड़का नींद कर रहा है भाई। हाँ हम लोग सुबह के 6:30 बजे से उठे हैं और झूठ बोल रही है मैं 6 बजे उठी हूँ, 7:30 बजे नहीं, मैं 6:30 बजे मैं उठी हुई हूँ। ठीक है, वो लड़का इसका जो हीरो है भाई, मेरा हीरो ही नहीं है, जो एल्बम का, एल्बम का हीरो, एल्बम का हीरो है मेरा हीरो। आ गया उदे, एल्बम का हीरो है मेरा, कोई हीरो वगैरह नहीं है। और मेरे फ़ोन में थोड़ा बैटरी नहीं है तो मैं फ़ोन चार्ज पे लगाने जा रही हूँ। हवा बड़ा मस्त चल रहा है यार, मेरे बाल कितने छेड़ रहे। सो आज मैं रिया का व्लॉग मैं कैप्चर करूँगी। मेरे को तो पहले बहुत बोर लग रहा था यहाँ, एकदम गुस्सा आ रहा था अकेले अकेले, क्योंकि एक तो मैं रील भी नहीं बनाती, पर अब मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अभी रील बना रही थी एक, तब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा टाइम पास हो रहा है एकदम। बिग बॉस दिखता है, बिग बॉस इसे ले जाओ, बिग बॉस। यार मेरे कैमरे पे उंगली पड़ गया है क्या? इस पूल में कूद जाने का मन कर रहा है क्योंकि मुझे बहुत तेज गर्मी लग रहा है। तो मेरा डे वन का शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ से निकलूँगी क्योंकि मेरे को घर निकलना है, मेरे घर यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे है, ऊपर से ठंड है और रात भी हो जाएगा जाने में, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट यहाँ से निकलते हैं। मैं तो सोची थी कि जल्दी कम्प्लीट हो जाता तो मैं थोड़ा शॉपिंग वगैरह करने चली जाती, बट किस्मत यहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो अब मैं सीधा डायरेक्ट घर ही निकल रही हूँ। तो गाइस मैं अभी जस्ट 5 मिनट पहले घर आई हूँ और घर आते के साथ मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही क्योंकि मेरा नया घड़ी आ चुका है। मेरा जो पुराना घड़ी था वो भी फायरबोल्ट का था, बट वो मेरे से ऐसे हाथ से कैसे टूट गया था, तो वो इतना ज़्यादा क्रैक था कि मैं उसको रिपेयर करवाने ले गई थी, तो वो बोले कि इसमें 2-3 हज़ार का खर्चा तो आराम से जाएगा, तो इससे बेटर है कि आप नया घड़ी ले लो। तो मैं नया घड़ी सीधा ऑनलाइन ही मंगा ली, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी। पहले मेरा घड़ी ब्लैक कलर का था, तो अभी मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो मैंने ग्रे कलर मंगाया है। मैं चाहती थी कि घर आके मैं इसको खोल कर देखूँ, लेकिन मैं अंबिकापुर गई थी तो मेरा दुष्ट भाई इसको खोल दिया, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है। पर चलो उसमें इतनी शर्म तो है कि वो, एक मिनट बता रही हूँ, कि वो ये नहीं खोला, ये अगर वो ये खोल दिया रहता ना तो मैं भी बहुत बवाल मचाती, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे नए घड़ी का मैं ही ये खोलूँ जो कि ये है ये। मैं बहुत जल्द आईफोन भी चाहती हूँ कि मैं ऐसे करके खोलूँ, बट मैं वो चाहती हूँ कि मैं वो अपने पैसे से लूँ, तो मैं उसके लिए सेविंग कर रही हूँ और मेरा बहुत दिली से इच्छा है कि मैं उसको अपने हाथों से ऐसे खोलूँ और देखूँ सेल्फ गिफ्टेड आईफोन। पता नहीं मेरा सपना पूरा कब होगा, तो देख सकते हैं मेरा घड़ी कितना प्यारा आया है। देखो गाइस, देखो मेरा बाबू को, देखो कितना प्यारा है, कितना सौदा हो रहा है।
और गुलू लुलू को देखो कितना आलसी है, नहाया है तो कितना सुंदर लग रहा है। अरे भैया बात, हाँ चैटिंग कर रहा है, किसे चैटिंग कर रहा है, दिखा दिखा, छीन छीन छीन, देखो मुझे कितने प्यार भरी नजर देख रहा है। हाय, गर्मी भी तो गा साथ में। तो ये मेरा प्यारा सा चिकलू है जिसको मैं रोड से उठा कर लाई थी, ये देखो कहाँ चढ़ रहा है, ओले ओले ले वापस ले जा। हाँ अरे, तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू गाइज लाइक माई छोटा सा व्लॉग। तो मिलते हैं अपन अगले व्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड नाइट। और चिकलू भी बाय बोलेगा, बाय बोल दे बेटा, बाय बोल दे, भाव खा रहा है, बाय, गुड नाइट।